वो पूरा पहले मालूम है ना कि दूध का बॉटल मिलता था लेके चले जाते थे। किसी को कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग कुछ भी प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं। मुझे क्वेरीज है मैं पूछ सकती हूँ? यस। कितने दफा लेना है दिन में? हाउ मेनी टाइम्स? हाँ कितने दफा लेना है तो जैसे मैंने बताया आप एक पूरी बॉटल में ले सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप एक छोटा सा अगर आपको एक कप में लेना है तो वो भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से क्योंकि नई चीज है पहली बार बॉडी कंज्यूम करे तो एक बार से शुरुआत करो, आगे जाके अगर आप उसको दो से तीन बार भी लेना चाहोगे तो भी चलेगा। पानी की चीज है, हाइड्रेटिंग है, ठीक है, बॉडी को उससे अच्छा रखता है तो आप दो से तीन बार भी ले सकते हो। पर क्योंकि हम हिंदुस्तानी है नए हैं तो धीरे धीरे करके शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा एक बार दिन में शुरुआत कर सकते हैं और ट्राई करिए आपकी बॉडी को उसके बाद कैसा लगता है, फिर जितना आपका पॉकेट अफोर्ड करे उसी बार आप ले सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लेनी है लाइक तो मैंने उसके हिसाब से खत्म किया, ये जितनी क्वांटिटी है ना ये लाइन यहाँ पर जो है, ठीक है, उतना अराउंड 100 ml तक हो जाएगा, 100 ml तो उतना आप इजीली ले सकते हैं। तो एक बॉटल में मेरे हिसाब से पूरा एक चार का परिवार इजीली इसको थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। इसका कितना MRP कितना एंड इज खाना खाने के पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए? तो खाना खाते वक्त ही आप इसको कंज्यूम करें और खाना खाने से पहले भी लेंगे तो बेटर रहेगा। तो जिनको गैस की तकलीफ है उनके लिए ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है, तो आप पहले इसको ले लीजिए थोड़ा सा या खाना खाते वक्त भी कंज्यूम करेंगे तो भी चलेगा, बाद में ऐसा हो जाएगा कि उतना असर नहीं दिखेगा अगर आप बाद में लेते हैं। तो ऑलरेडी अगर ये आपके अतड़ियों में रहेगा या पेट में रहेगा तो जो भी खाना आ रहा है उसको इजीली डाइजेस्ट करना है, इसको इजीली तोड़ने में इसका काफी ज्यादा रोल रहेगा। तो थोड़ा पहले ले लीजिए या तो फिर खाना खाने के साथ भी लेंगे तो भी चलता है। मैम अगर हम क्वेश्चन है ओपन कर देते हैं तो क्या एक ही टाइम में खत्म कर देना है कि उसको रख सकते हैं दूसरे दिन देर के लिए? जी तो ऐसा इसीलिए उन्होंने वो एक्चुअली कैप के वजह से है वैसा क्वेश्चन, ठीक है, पर आप इसको बिल्कुल बंद करके जो कैप है उसी को इसको लगा के आप इसको नॉर्मल आपके फ्रिज के आसपास भी जो नीचे वाला एरिया होता है वहां पर आप रख सकते हैं, फ्रीजर में नहीं नीचे आप रख सकते हैं। फिर जब भी दूसरी बार लेना हो बाहर निकाले थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर आप इसको ले सकते हैं। तो इसका जो ढक्कन है वही इसको ऊपर रख के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई चीज खराब नहीं हो, ठीक है। और हाँ वही दिनचर्या मतलब अगर रोज भी लेना चाहिए तो चलेगा ना? हाँ रोज भी ले सकते हैं, वही मैंने कहा एक दिन में एक बार से शुरुआत करिए, फिर आप इसको रोज भी ले सकते हैं, दिन में दो बार भी ले सकते हैं, जितना आपको पॉकेट अफोर्ड कर पाए उतना, ठीक है। इसका MRP है 145 rupees, ओके, और इसका DP है 115 rupees। मार्केट में जितने भी कोम्बुचा ना आप आपका रिसर्च कर सकते हैं, ज्यादा आपको कहीं पर शॉप पर नहीं दिखेगा पर ऑनलाइन मिलेगा, सबका रेट इतना हाई होता है और उसकी क्वालिटी जो होती है उसका कोई हमारे पास ये नहीं है। यहाँ पर ये जो कोम्बुचा है ये पॉकेट को अफोर्डेबल भी है और साथ में उन्होंने एक ही फ्लेवर में शायद इसीलिए दिया अब तक कि हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि बेसिक फ्लेवर है सबसे मेन, ओके, इसके आने वाले फिर आप उसको उसके अंदर एप्पल स्ट्रॉबेरी क्रैनबेरी वो सब अलग अलग जरूर आएंगे ऐसा बताया गया है। एंड बाहर भी रख सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखें कि जगह अच्छे से ढकी हुई हो, उसमें कुछ और चीज नहीं जानी चाहिए, ठीक है, क्यों क्या होता है कि जब इसको पुराने लोग घर पे बनाया करते थे कि घर पे भी बना देते बहुत इजी, आपको बस उसको भी खरीदना है और उसके साथ, पर चीजें बहुत ज्यादा मेसी हो जाती है या गंदी हो जाती है, उसमें कंटेमिनेशन यानी कि दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा जो अपने हमारे लिए अच्छा नहीं हो उसका ग्रोथ होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसकी वजह से आप जब भी इसको बाहर भी रखेंगे तो अच्छे से ढक कर रखना है ताकि इसमें कोई और चीज आके ना गिरे या कोई और चीज का ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो फ्रिज इज अ बेटर प्लेस रखने के लिए, पर अगर आप बाहर भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं।